Amen. Hallelujah. Wow. Hallelujah. मुझे पता है गर्मी है थोड़ा यहाँ पे. I know it's a little hot in here. आज कुछ हमारी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कुछ हुई है जिसकी वजह से ACs नहीं चल रहे. Yeah, the ACs are not working because of a fault in the electricity. मगर लोग जाते हैं सोना कराने है ना. People go for sauna baths. पैसे देते हैं. They pay for it. पसीना निकलवाते हैं. To get sweat out. आपको फ्री में परमेश्वर ने सोना दे दी. You're getting free sauna here through God. हाँ, क्योंकि बोलते हैं सोना जो है बड़ा ही बेनिफिशियल होता है आपके शरीर में. पसीने के साथ सारे टॉक्सिंस और गंदगी निकलती है शरीर से. They say sauna is very good for your health. All the toxins come out along with the sweat. तो ये परमेश्वर के भवन का जो सोना है, सारा कैंसर, सारे ट्यूमर, सारी बीमारी आज पसीने के साथ निकल रही है भारी यीशु मसीह के नाम. So this is the sauna of God's house. All the cancers, tumors, every sickness is coming out along with that sweat. Amen. So आपका पसीना वेस्ट नहीं जा रहा. So your sweat is not going to be wasted. आप प्रभु के भवन में आए हो. You are in the house of God. Amen. उसका वचन कहता है कि यदि तू मेरे किसी छोटे से छोटे व्यक्ति को अगर एक गिलास पानी भी पिलाए मेरे नाम से तो भी अपना प्रतिफल न खोएगा. His word says even if you serve a glass of water to one of my people you will not lose your reward. Amen. तो आप जो यहाँ पे आए हो गर्मी में बैठे हो. So those who are here sitting in this heat. Heavenly sauna ले रहे हो. Taking the heavenly sauna. आप अपना पुरस्कार नहीं खोने वाले. You are not going to lose your reward. पड़ोसी को बोलो पड़ोसी पसीना बहने दे. Yeah, tell your neighbor let the sweat flow. Amen, hallelujah. जो देखो प्रभु ने क्या बोला. See what the Lord said. जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो. As your faith, so shall it be done with you. कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतनी दवाई खाई, वो मरकरी, वो लेड, वो टॉक्सिंस अंदर ही हैं शरीर में. There are many people who have taken so much medicine and all the mercury, lead and toxins are inside their body. आज सारे टॉक्सिंस बाहर निकल रहे हैं शुक्र. All the toxins are coming out in Jesus' name. Amen. परमेश्वर हर चीज से भलाई उत्पन्न करता है. God brings out goodness from everything in our life. जब मैं सोच रहा था प्रभु तेरे भवन में लोग बैठे हैं इतनी गर्मी में इतने पसीने में. I was thinking about it, Lord, your people are sitting in your house in such heat. तो अचानक मुझे ये thought आया. This is the thought that I got. सोना में जाते हैं लोग. People go to sauna. हाँ, इतना महंगा पैसे देते हैं. यहाँ पे free heavenly sauna. It is so expensive, they pay for it. You are getting free heavenly sauna here. Amen, hallelujah. Amen. Hallelujah. So केवल आज प्रभु जैसे हम टेस्टिमनी सुनते हैं कैंसर्स और ये ही चंगा नहीं करेगा. आज सारे केमिकल्स बैलेंस में आ रहे हैं. So today not just all the cancers and all the stories we hear are getting healed, all the chemicals are coming back to balance. प्रभु एक हेवनली इक्विलिब्रियम ला रहा है आपके शरीर में. The Lord is bringing a heavenly equilibrium in your bodies. Amen. यानी आपके इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल हो रहे हैं. That means your insulin levels are coming back to normal. आपके ब्लड प्रेशर्स नॉर्मल हो रहे हैं यीशु के नाम में. Your blood pressures are coming back to normal in Jesus name. सारे केमिकल्स, all the chemicals नॉर्मल हो रहे हैं. Are coming back to normal. आज का दिन मैं उस अभिषेक के अंदर आपके ऊपर डिक्लेयर कर रहा हूं. आज का दिन एक हेवनली रीसेट का दिन है आपके शरीर के लिए. आई प्रे टुडे इज द डे ऑफ अ हेवनली रीसेट इन योर बॉडीज इन जीसस. आप समझते हैं रीसेट क्या होता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रीसेट. हमारा फोन जब नहीं चलता. व्हेन आवर फोन इज नॉट वर्किंग. आप उसे जब सर्विस सेंटर में ले जाते हैं. व्हेन यू टेक इट टू द सर्विस सेंटर. तो वो रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग्स कर देते हैं. दे रिस्टोर योर फोन बैक टू दिस फैक्ट्री सेटिंग्स. यानी जब बनाने वाले ने ये फोन बनाया तो जो सेटिंग उन्होंने रखी थी वापस वहां चली गई. Which means when the manufacturer manufactured your phone, the setting they kept, it has gone back to that. आज पवित्र आत्मा हर किसी के शरीर को रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग कर रहा है यीशु के नाम में. Today the Holy Spirit is restoring your bodies back to the factory setting in Jesus name. यानी जिस सेटिंग के साथ परमेश्वर ने आपके शरीर को बनाया है वो सेटिंग वापस जा रही है यीशु के नाम में. That means the settings with which God created your body to function, it is going back to that setting in Jesus name. Amen. Amen.
Not just healing. सिर्फ चंगाई नहीं. Health. स्वास्थ्य. Not just healing. सिर्फ चंगाई नहीं. Health. स्वास्थ्य. बोलो मैं चंगाई से अलौकिक स्वास्थ्य में प्रवेश कर रहा हूं. Say, I'm moving from health, I'm moving from healing into divine health. Amen. Amen. Hallelujah. मतलब sleep patterns restored, blood pressure restored, sugar restored, bone marrow restored. सारा जो कुछ है सर से लेकर पांव तक restored in Jesus name. Everything from head to toe being restored यीशु के नाम में. Amen. So आज बहने दो. So let it flow. पसीना भी हमले प्रभु तेरी आत्मा बहे मेरा पसीना बहे सब बहे जो बहना है आज इस जगह बह जाए. So say, Lord, let it flow today. Your spirit, my spirit, whatever has to flow, let it flow. Amen. मगर आप अपने आप को distract मत होने देना. आज का वचन बहुत 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 जरूरी है. But you do not let yourself be distracted. Today's word is very, very, very important for you. Amen. और ये आज का जो वचन है वो आपके पिता का हृदय है आपके लिए. And today's word is your father's heart for you. Amen. So एक second के लिए. Not एक सेकंड एक मिनट के लिए. For a minute. अपने हाथों को उठाओ अपनी आंखों को बंद. Lift up your hands and close your eyes. और प्रभु यीशु मसीह से बोलो प्रभु मैं आज आपके उस महान और पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए आया हूं प्रभु. And tell the Lord, Lord, I have come to receive your great, mighty and holy word today. वो वचन जो मेरे शरीर को पूरी रीति से चंगा कर देगा. That word which will completely heal my body today. वो वचन जो मुझे और मेरे परिवार को विनाश से बचा देगा. That word which will rescue me and my family from destruction. और वो वचन जो हमें दीर्घ आयु देगा. And the word which will give us long life. आज आप प्रभु से बोलो प्रभु आज आप पर्सनली मुझसे बात करो. Tell the Lord, Lord, you speak to me personally today. वो आपका पिता है उसे पता है आपकी जरूरत क्या है. He is your father, he knows what you need today. Amen. Hallelujah. आप बैठ सकते हैं. You can be seated. Praise God. Hallelujah. खुश हैं आप आज के दिन. Are you happy today? हाँ. बिजली ना बिजली ज्योति तो हम हैं यीशु के नाम में. Whether there is electricity or no electricity, we are the light in Jesus' name. Amen. So, आज का जो वचन है, ध्यान धरकर उसको सुनिएगा. So, hear today's word carefully. Amen. मैं चाहता हूँ सब जल्दी से सेटल हो जाएं. I want everyone should settle down. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? चलें वचन की तरफ. Should we go into the word? मैं प्रार्थना करूंगा फिर हम वचन की तरफ. I'll pray and go into the word. परमेश्वर पिता, Father God, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं. We come to you in the name of Lord. पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं. Father, we thank you. कि आप हमसे प्रेम करने वाले पिता हैं. That you love us, you're a loving Father. मैं धन्यवाद देता हूँ उस अभिषेक के लिए प्रभु जो इस भवन में है जो मेरे ऊपर है परमेश्वर. I thank you for that anointing on this house which is upon me. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज पवित्र आत्मा आप मेरे मन में मेरी सोच विचार में मेरे मुंह में कब्जा कर लें. I thank you Lord that you would take hold of me, of my thoughts, of my mouth. हर एक शब्द जो मेरे मुंह से आज निकले प्रभु वो तेरी तरफ से अभिषिक्त किया गया हो. Every word that comes out of my mouth, Lord, let it be anointed through you. और प्रभु होने दे कि जो बंधुवाई में आज वो छुटकारा पाकर जाएं. And Lord, let it be that whosoever is in bondage may they be set free today. और हर एक व्यक्ति जो बंधन में है आज परमेश्वर पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाए. And everyone who is in bondage may they be set free completely. और हर एक बीमार आज अपनी चंगाई लेकर जा रहा है यीशु के नाम. And everyone who is sick is taking their healing today in Jesus name. Amen. 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 Amen.
भजन संहिता 107 Psalms 107 19 और 20 अगर पढ़ें verse 19 and 20 Psalm 107 verse 19 and 20 यहां पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है जो वचन उसने हमें भेजा है हम एक बार 20वीं आयत देखेंगे Psalm 107 verse 20 मैं चाहता हूं आप इसको पढ़े साथ में और आप जानेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और हमें चंगा किया है I want you to read this so that you can know that the Father has sent his word and healed us परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है और हमें चंगा किया God has sent his word and healed us और आज भी परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा है आपकी तरफ And even today God is sending his word to you Amen और अगर आप उसके वचन को आज ग्रहण करते हैं And if you receive his word today उसके वचन में ये सामर्थ्य है कि जिस चीज के लिए वो भेजा जाता है उसको वो पूरा करता है There is power in his word to fulfill what it's sent for Amen कितने लोग चंगाई में चलना चाहते हैं How many people want to live, walk in healing? Amen. देखिए, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे लोग आते हैं विश्वास से, हम उनके ऊपर lay hand करते हैं, हम आपके लिए personally प्रार्थना करते हैं. It's a good thing that people come here with faith and we lay hands on them, we personally pray for them. मगर ये मेरी और परमेश्वर पिता की इच्छा नहीं है आपके लिए. But this is not mine and God the Father's will for you. ध्यान से सुनिएगा हियर केयरफुली क्योंकि अगर रात को 3 बजे आपको दर्द हुआ बिकॉज इफ इन द मिडल ऑफ द नाइट एट 3 AM यू हैव पेन इन योर बॉडी तो किस चंगाई सभा में जाओगे और किस परमेश्वर के दास को ढूंढोगे देन विच हीलिंग सर्विस विल यू रन टू विच मैन ऑफ गॉड विल यू लुक फॉर हम लोग करते रहेंगे वी विल कीप ऑन डूइंग क्योंकि हर कोई अलग अलग स्तर में है विश्वास के बिकॉज एवरीवन इज इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ फेथ आमेन So, हम लोग ले हैंड करते रहेंगे We will keep laying on हम लोग लोगों के लिए पर्सनली प्रार्थना करते We will रहेंगे pray for people personally. मगर परमेश्वर ये भी चाहता है कि उसकी देह सयानी हो जाए और मैच्योरिटी की तरफ जाए बट गॉड डिजायर्स दैट हिज बॉडी वुड ग्रो अप एंड बिकम मैच्योर आमेन और आप खुद परमेश्वर से ग्रहण करना सीख जाओ अपनी चंगाई एंड यू योरसेल्फ वुड लर्न टू रिसीव हीलिंग फ्रॉम द फादर फॉर योरसेल्फ Amen. कि शैतान 3 बजे आपको लक्षण डालने की कोशिश करे सुबह 4 बजे रात को 11 बजे आपको एग्जैक्टली पता होगा क्या करना है That if the devil tries to put a symptom in your body at 3 in the night, 4 in the morning, you would exactly know what to do. अगर आप लिख रहे हैं इस चीज को लिख लें क्योंकि ये बहुत जरूरी है If you're writing, write this down. It's very important. और मैं चाहता हूं कि इस पर आप घर जाकर मनन करें पूरे हफ्ते And I want you to meditate on this through the week. Healing is a warfare. Healing is not a reward. चंगाई एक युद्ध है वो प्रतिफल नहीं है Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ Healing is a warfare. Healing is not a reward. चंगाई एक प्रतिद्वंद का सबूत परिणाम है वो एक पुरस्कार नहीं है क्योंकि majority of believers जो हैं विश्वासी जो हैं वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे चंगाई के लिए किसको मनाना पड़ेगा बोलो मुझसे परमेश्वर को बिकॉज व्हाट आर मोस्ट बिलीवर्स थिंकिंग हुम डू आई हैव टू कन्विंस फॉर माय हीलिंग दे थिंक दे हैव टू कन्विंस गॉड सो परमेश्वर मैं उपवास रख दूंगा सो आई विल फास्ट परमेश्वर मैं फादर्स किचन में खाना खिलाऊंगा पूरे चर्च को अगर तुम मुझे चंगा कर देगा गॉड आई विल डिस्ट्रीब्यूट फूड इन द फादर्स किचन टू एवरीवन सो हम लोग एक बिजनेस डील करने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के साथ सो वी आर ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बिजनेस डील विद गॉड अगर तूने मुझे चंगा कर दिया परमेश्वर इफ गॉड यू हील्ड मी तो मैं ये करूंगा देन दिस इज व्हाट आई विल डू मगर ये हमें सीखना है कि आपकी चंगाई परमेश्वर रोके हुए नहीं है That God is not the one holding back पड़ोसी को बोलो आपकी चंगाई परमेश्वर रोके हुए नहीं है Tell your neighbor, God is not holding back your healing. आपकी चंगाई किसने रोकी है Who has held back your healing? शैतान ने The devil. इसीलिए मैंने आपको क्या बोला चंगाई क्या है एक एक आत्मिक युद्ध है दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू हीलिंग इज अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर और हर एक बीमारी जो है एंड एवरी सिकनेस वो एक अटैक है शैतान की तरफ से इज एन अटैक फ्रॉम द एनिमी आप समझ कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात हम इफ यू अंडरस्टैंड शैतान का एक ही पर्पस है एक ही उद्देश्य
The devil has only one motive, one aim. यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान इसलिए आया, जो दुश्मन है, जो शैतान है, वो इसलिए आया क्या करे? चोरी करे, हत्या करे और घात करे. उसका यही काम है, यही उद्देश्य है. Jesus told us in John 10:10, the devil, the enemy has come for one purpose only, to steal, to kill and to destroy. Amen. So आज मैं चाहता हूँ इस चीज को आप सबसे पहले समझो. चाहे सर्दी हो, चाहे जुखाम हो, चाहे एलर्जी हो, हर कोई शैतान का एक अटैक है. So I want you to understand today, whether it's cold, it's a flu, it's anything is an attack from the enemy. और वो क्या चाह रहा है? वो आपके शरीर में जगह चाहता है. तो अगर आप बोले अरे तो थोड़ा ऐसी तो है. And what he's looking for is a little bit of space in your body. And if you say it's just a little bit flu, you have to understand Satan is an intruder. आपको समझना है कि जो शैतान है वो कब्जा करने वालों में से है. He's an intruder. वो घुसपैठिया है. हम देखा है लोग जमीनों पे कब्जा कर देते हैं. You've seen how people intrude into the... पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा और आगे, फिर थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे. They keep extending into a land bit by bit. ऐसे ही वो आपके शरीर के साथ भी करता है. This is what the devil does to your body. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? How many people understand what I'm saying? ऐसे नहीं होता कि आज आप बिल्कुल स्वस्थ हो और अगले सेकंड आप बिल्कुल बेड में आ गए. It's not like you are healthy completely right now and next moment you are on the bed. एक लक्षण देता है आपको. He gives you a symptom. और फिर देखता है कि आप क्या करते हो. And then he sees what you do with और अगर आप कुछ नहीं करते, but if you do nothing तो और उसको बढ़ाता है. Then he keeps increasing. उसको और बढ़ाता है. Keeps increasing. उसको और बढ़ाता है. Keeps increasing. उसका उद्देश्य क्या है? What is his motive? आपको मार देना समय से पहले. To kill you before time. So, आज मैं चाहता हूं कि आप चंगाई को एक अलग नजरिए से देखें. So today I want you to see healing from a different perspective. और आप समझ पाएंगे, क्योंकि लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर हमारे लिए क्यों नहीं करता है. So that you can understand, because people say if God is there, why doesn't he do anything for us? तो ध्यान से इसको सुनिए. So hear this carefully. Healing, चंगाई, is a warfare. चंगाई एक युद्ध है. और अगर चंगाई एक युद्ध है और अगर आप एक युद्ध के बीच में हैं, इसका मतलब आपके पास हथियार होने चाहिए युद्ध को लड़ने के लिए. एंड इफ हीलिंग इज अ वॉरफेयर एंड यू आर इन द मिडल ऑफ अ वॉरफेयर, दैट मींस यू शुड हैव वेपन्स टू फाइट द फाइट. वचन पौलुस प्रेरित कहता है, वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ द वाइल्स ऑफ द स्कीम्स ऑफ डेविल. अपोस्टल प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम अनजान नहीं है दुश्मन की जो युक्तियां हैं उसके लिए. आमेन. सो हीलिंग क्या है? एक वॉरफेयर है. हीलिंग इज अ वॉरफेयर. और परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं? एंड व्हाट हैज गॉड गिवन टू अस? वेपन्स. ही हैज गिवन अस वेपन्स, हथियार दिए हैं. मगर आप जानते हैं कितने विश्वासी आज ऐसे हैं. But you know, there are so many believers. वो ऐसे जीते हैं जैसे civilians जीते हैं. They live like civilians today. So many civilians, you understand? You understand civilians? अगर अभी एक attack हो जाए, if there's an attack now, एक terrorist attack हो जाए, a terrorist attack, और यहाँ पे guns रखी हो, and there are guns here, मगर आपको चलानी ना आए, but if you don't know how to use those guns, तो आपके लिए वो guns बेकार हैं. Those guns are useless for you. आप उस gun को पकड़ के डंडे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश. You will try to use it like a stick. हो सकता है वो सबसे आधुनिक, सबसे हाईटेक वेपन है. मे बी इट इज द मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट मॉडर्न वेपन. मगर क्योंकि आपको वो हथियार चलाना नहीं आता, आपके लिए वो हथियार यूजलेस है. बट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू यूज दैट वेपन, इट्स यूजलेस फॉर यू. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? I mean, if you understand what I'm saying. ऐसे ही कितने मसीह हैं जो नहीं जानते जो हथियार परमेश्वर ने उनको दे दिए हैं, जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दे दिया है, और वो हमेशा गिड़गिड़ाते हैं और भीख मांगते हैं. Similarly, there are so many believers who do not know the authority that God has given to them, the weapons that God has given to them, so all the time they are begging and pleading. दूसरा कुरिन्थियों 10, पहले हम 4 देखते हैं. Second Corinthians 10 verse 4 and 5. 4 और 5. Hallelujah. यहां पे लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, यानी एक लड़ाई है. It says because the weapons of our warfare are not carnal or physical, it means there is a warfare. पड़ोसी को बोलो एक लड़ाई है. Tell your neighbor there is a warfare.
आज आपकी कॉम्बैट ट्रेनिंग है संडे को. संडे इज योर कॉम्बैट ट्रेनिंग डे. आपकी आत्मा में कॉम्बैट ट्रेनिंग है. दिस इज योर स्पिरिचुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग डे. आमेन. जैसे जो सेना में भर्ती होता है उनको सिखाया जाता है कि हथियार को कैसे चलाना है, आज पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि वो आत्मिक हथियारों को कैसे चलाना है. Like those who join the army are trained how to use weapons, today the Holy Spirit will teach you how to use weapons in the Amen. Spirit. फिर से आप लगाइए, हमारी लड़ाई के हथियार क्या नहीं है? क्या नहीं है? शारीरिक नहीं है. इंग्लिश बाइबल कहती है हमारी जो हथियार है वो कार्नल नहीं है, शारीरिक नहीं है. The English Bible calls them, they are not carnal. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो हथियार नहीं है जिनको आप हाथ से पकड़ सको. तलवार, भाले, गन, बॉम्ब, ग्रेनेड, ये नहीं है हथियार. They are not such weapons which you can hold with your hands, guns, swords, whatever. मगर हथियार हैं. But we have weapons. मगर वो आत्मिक हथियार हैं. But they are spiritual weapons. Amen. Amen. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आत्मिक हथियार परमेश्वर ने आपको दिया है. God has given you spiritual weapons. परमेश्वर आपके लिए हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको सीखना पड़ेगा उन आत्मिक हथियारों को कैसे चलाना है. But God will not use the weapons on your behalf. You will have to learn how to use the weapons. कितने लोगों मेरी बात समझ आ रही है? How many of you understand? आर्मी को क्यों वेपन दिए जाते हैं? हम सबको वेपन क्यों नहीं दिए जाते? Why does the army get to have weapons and we don't? आर्मी को वेपन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हम हथियार चलाएं, इसीलिए उनको हथियार दिए जाते हैं. बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट वॉन्ट अस टू लर्न हाउ टू यूज वेपन्स, सो दे टीच द आर्मी हाउ टू यूज. अगर परमेश्वर ही सारी हमारी लड़ाइयां लड़ता तो हमें हथियार नहीं देता, कहता तुम बैठो मैं चलाऊंगा. मगर अगर हथियार हमें दिए हैं इसका मतलब वो जानता है हम एक लड़ाई में हैं और हमें उन हथियारों को इस्तेमाल करना सीखना है. इफ गॉड वॉज गोना फाइट ऑल आवर बैटल्स ही वुड नॉट हैव गिवन अस द वेपन्स, बट because we are in a warfare he knows it, he has given us weapons to fight that warfare. Amen. aur dekhte hain ki ye hathiyar kaise hain. aap fifth dekhiye and let's see how these weapons are. nahi pehle chauthe mein jaiye dobara. bible batati hai hamare hathiyar kya hain. sharirik nahi hain magar I love how english bible says it. it says they are mighty in god. kaise hamare hathiyar? kaise hamare hathiyar? माइटी. और माइटी का मतलब समझ रहे हैं कि वो जो हथियार है वो सामर्थी है, महान है. मतलब छर्रे वाली पिस्तौल नहीं दी है परमेश्वर, न्यूक्लियर बॉम्ब दिए हैं. माइटी. आमेन. माइटी हथियार दिए हैं, महान हथियार दिए हैं परमेश्वर ने आपको. गॉड हैज गिवन अस माइटी वेपन्स ऑफ वॉरफेयर. और शैतान डरता है, वो जानता है ये कभी सीख ना ले कि कैसे इन हथियारों को चलाना है, मगर अगर सीख लिया तो मुझे भागना पड़ेगा. एंड द डेविल नोज दिस एंड ही इज अफ्रेड दैट इफ यू लर्न हाउ टू यूज दोज वेपन्स ही विल हैव टू रन अवे. आमेन. आज माइटी वेपन चलाने वाले माइटी योद्धा खड़े हो रहे हैं जगह से. Today, mighty warriors are going to rise up who know how to use those mighty weapons. Amen. कितने लोग मानते हैं mighty योद्धा हैं? परमेश्वर का हाथ खड़ा करें. How many people believe you are a mighty warrior? Lift up your hand. Amen. बोलो मैं यीशु मसीह का एक mighty योद्धा हूँ. Say, I am a mighty warrior of the Lord Jesus. Amen. तो आज हम सीखेंगे कि हथियारों को चलाना कैसे. So today we will learn how to use these weapons. हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है. The Hindi Bible says, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं. The weapons of our warfare are not carnal. पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं. But mighty in God for pulling down strongholds. So आप एक लड़ाई में. You are in the middle of a warfare. Amen. हथियार क्यों दिए जाते हैं? Why are weapons given? क्यों सरहद में हमारे सेना के पास हथियार हैं? Why on the border our army men they have weapons? वो विजिलेंट हैं, सतर्क हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी वहां से अटैक आ सकता है. They are vigilant because they know any time the enemy can attack. परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है पहले पत्रस 5:8 में, be vigilant and sober. क्या करो? सतर्क रहो क्योंकि तुम्हारा दुश्मन जो शैतान है वो फाड़ खाने वाले सिंह की तरह मौका तलाश रहा है कि कब तुम्हें फाड़ खाए. First Peter 5:8, the Bible tells us to be alert, be sober minded.
Because we have an enemy who is looking for whom to devour like a lion. क्या सचेत रहो और जागते रहो. Be sober and vigilant. जागते रहो का मतलब ये नहीं कि रात को सो मत. It doesn't mean don't sleep at night. जागते रहो का मतलब alert रहो. It means to stay alert. क्योंकि मैं आपको बताऊंगा शैतान कैसे बीमारी डालता है हमारे शरीर. I'll tell you how the enemy puts sickness in people's bodies. परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सचेत रहो, जागते रहो. The Bible is telling us to be sober and vigilant. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. Because your adversary, the devil, is roaming around like a roaring lion, seeking whom to devour. यानी जिसको मर्जी उसको नहीं फाड़ खा सकता. It means he cannot devour whomsoever he wants to. अगर ऐसा कर सकता, if he could do तो that, अभी हम सबको मार चुका होता. He would have killed all of us. तो वो ढूंढ रहा है मौका. So the devil is looking for an opportunity. कैसे मुझे मौका मिलेगा किसी विश्वासी के अंदर घुसने का और इसको फाड़ खाने का और नाश करने का. How will I get an opportunity to get in a believer's life and to tear him apart? Amen. So परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहे हैं? So what is the Lord telling you today? अगर आप जयवंत जीवन जीना चाहते हो, if you want to live a victorious life, तो एक तरीका है. There is a way. आप कैजुअल नहीं जी सकते. यू कैन नॉट लिव कैजुअली. आप ये नहीं कह सकते मेरा जो मन करेगा मैं वो बोलूंगा, जो मन करेगा वो देखूंगा, जैसा जीना है वैसा जीऊंगा और शैतान भी मुझसे हारा हुआ रहेगा. ऐसा होने वाला नहीं है. यू कैन से आई विल से व्हाट आई वांट टू से, आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू एंड द डेविल कैन नॉट डिफीट मी. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आई एम नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. जो एक सरहद में फौजी है वो कहेगा अरे यार ये हो तो रहा नहीं है कुछ, जब मैं चिप्स खाता हूँ रात को भरपेट खाना खा के सो जाता हूँ. The soldiers on the border are not wondering, nothing is happening, so let me eat stomachful and sleep at night. वो वहाँ पे रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए आज हम यहाँ शांति से रह रहे हैं. Because they are on the border protecting us, so we can live peacefully here. आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है. You have to guard your bodies. आपको अपनी आंखों की रक्षा करनी. You have to guard your eyes. आपको अपने कानों की रक्षा करनी. You have to guard your ears. आप कानों से क्या सुनते हो? What do you hear from your ears? आप आंखों से क्या देखते हो? What do you see from your eyes? आप मुंह से क्या बोलते हो? What do you speak from your mouth? क्योंकि यहां से शैतान को एंट्री मिलती है हमारे बॉडी में. Through these things the devil gets an entry in our life, in our body. Hallelujah. कुछ सीख रहे हैं हम? Are you learning something? दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में चलते हैं अब. 2 Corinthians 10:5. परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जो हथियार है वो माइटी है, वो महान है. The word of God says our weapon is mighty, it's great. इसीलिए हम, this is why, कल्पनाओं का, बोलो कल्पनाओं का, पहली चीज, imagination. The first thing is imagination here. शैतान कहाँ अटैक करता है? Where आपके शरीर में घुसने से पहले आपकी इमेजिनेशन में घुसता है. Where does the enemy enter in? Before your body, he enters in your imagination. Are you guys getting what I'm saying? सीधे नहीं आपके शरीर में आ जाएगा. He cannot enter your body directly. आपकी इमेजिनेशन को करप्ट करेगा, आपको एक गलत विचार देगा. He tries to corrupt your imagination by giving you a wrong thought. एक छोटा सा सूजा पांव में, ओह तेरे को कैंसर हो गया. There's a little lump you see on your leg. क्या किया उसने? Suggestion दिया एक. He's given you a suggestion. और मैं आज आपको बताता हूँ एक law है, एक सिद्धांत है agreement का. And there is a law of agreement. The law of agreement. सहमति का नियम. सिद्धांत. शैतान आपकी सहमति के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता. द डेविल कैन डू नथिंग इन योर लाइफ विद आउट योर अग्रीमेंट. हालेलुया. हालेलुया. बहुत एक्साइटेड है आज आप लोग. यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टुडे. मैंने क्या कहा? शैतान आपके एग्रीमेंट के बिना आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता. What did I say? I said the devil can do nothing in your life without your agreement. जिस शैतान के साथ प्रभु यीशु मसीह ने डील किया और जिस शैतान के साथ हम डील करते हैं वो अलग है. याद है आपको मैंने बताया था? The devil that the Lord Jesus dealt with and the devil that we deal with are different. I taught you, remember? जिस शैतान के साथ प्रभु यीशु मसीह ने डील किया तब तक उसके पास अधिकार था. The devil that the Lord Jesus dealt with, he had authority. मगर अब, but now, put,
कुलूसियों 2:15, मगर अब बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसको निशस्त्र कर दिया, उसको हरा दिया और क्रूस में उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया. But now the Bible tells us that the Lord has made an open show of him and taken away all the authority he had. Amen. क्या लिखा है यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है. Hallelujah. आपके वचन में, बाइबल में, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, जो ये ऊपर चढ़ी हुई थी ना दुष्ट आत्माएं, यीशु ने नीचे नीचे उतर, यीशु ने नीचे. So all those high principalities, Jesus told them to come back down. और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया. He disarmed principalities and powers and made an open public spectacle of them. और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी. Triumphing over them in it through the cross. किसके द्वारा? Through what? क्रूस के द्वारा. Through the cross. यानी ध्यान सुनो, शैतान क्रूस से पहले और शैतान क्रूस के बाद अलग है. Before the cross and after the cross, the devil has been different. क्रूस से पहले the devil उसके पास अधिकार था. Before the cross had authority. अब उसके पास कोई अधिकार नहीं है. Now the devil has no authority. अब उसके पास वही अधिकार है जो आप उसे देते हो. Now the devil only gets to have that authority which you give to him. खुद सोचो, अगर शैतान जब आपको नाश करना चाहे तब नाश कर सकता, तो उसे आपको टेम्प्ट करने की या परीक्षा में डालने की जरूरत नहीं थी. थिंक अबाउट इट, इफ द डेविल कुड डिस्ट्रॉय यू व्हेनेवर ही वांटेड, ही वुड, ही हैड नो नीड टू गिव योर टेम्प्टेशन. वो एक चीज जानता है, ही नोज वन थिंग, कि आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया. जेनेसिस 1:27, दैट गॉड हैज क्रिएटेड यू इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस. उत्पत्ति 1:27, परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया. गॉड क्रिएटेड यू इन हिज, और परमेश्वर ने आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु को डाल दिया. एंड गॉड हैज पुट लाइफ एंड डेथ इन द पावर ऑफ योर टंग. नीति वचन 18 उसका 21. Proverbs 18:21. शैतान की जीभ में जीवन और मृत्यु नहीं है. Devil's tongue does not have life and death. आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु है. Your tongue has life and death. तो शैतान कहता है, so the devil क्योंकि वो छल करने वाला है. Because he is a deceiver. वो कहता है अगर मुझे इस व्यक्ति को नाश करना है, he says if I have to destroy this person, सबसे पहले मैं इसके अंदर गलत विचार डालूंगा. The first thing I'll do is put wrong thoughts in this person. कितने लोगों को समझ आ रही है? I don't understand. गलत कल्पनाएं डालूंगा. I'll give him wrong imaginations. देख तेरे को कैंसर हो गया. Look, you have cancer. देख तेरे को हड्डियों का रोग हो गया. See, you have a bone disorder. देख तेरे को ये बीमारी हो गई. See, you have this. तू डिप्रेशन में है. You are in depression. वो आपको ऐसे बोलता है, वो आपको ये नहीं बोलता तेरे को ये है. वो आपको कैसे बोलता है? मेरे को ये है. So he doesn't speak to you like this or you have. He says I have this. और आपको लगता है आपका मन बोल रहा है. यू थिंक इट्स योर हार्ट स्पीकिंग टू यू, मगर वो बोल रहा है जो But it's, छल करने वाला है. इट्स द डेविल स्पीकिंग बिकॉज ही इज अ डिसीवर. मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो, और अगर आप गलत सोच को बार बार अपने अंदर आने देते हो और बार बार उसको सोचते हो, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, एक गढ़ बन जाता है जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं रह सकती हैं. बट इफ यू अलाउ अ रॉन्ग थॉट पैटर्न, इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग होल्ड विच द डीमंस कैन एक्सप्लॉइट. आप जानते हैं जितने लोग डिप्रेशन में हैं, जितने लोग आज बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, वो शुरू हुआ एक थॉट से. यू नो, सो मेनी पीपल आर इन डिप्रेशन, सो मेनी डिसऑर्डर्स, ऑल ऑफ इट बिगेन विद अ रॉन्ग थॉट. एक गलत विचार आया, वन रॉन्ग थॉट, उसको ले लिया, दे टुक इट, उसके साथ एग्री किया, दे अग्रीड विद इट, और उसके बाद उसको बोलने लगे, एंड दे बिगिन स्पीकिंग इट. परमेश्वर के वचन में क्या है? What is in the word of जीवन God? है. क्या है परमेश्वर का वचन? There's life in the word. जो वचन शैतान आपके कान में बोलता है उसमें क्या है? The word that the devil speaks in your ear, it has death.